नमस्कार, आप सभी का स्वागत है गपशप न्यूज में। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद से ही ऐसे आरोप लगने लगे थे कि उनके साथ भेदभाव किया गया, जिसके कारण उन्होंने आत्महत्या की। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत मुंबई पुलिस को सुशांत की आत्महत्या के मामले की जांच करने का आदेश दिया था। इस मामले में मुंबई पुलिस हर संभव एंगल से जांच कर रही है और सुशांत से जुड़े लोगों से पूछताछ कर बयान दर्ज कर रही है। इसी क्रम में पुलिस ने सोमवार 6 जुलाई को जाने माने फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से 2 घंटे तक पूछताछ की। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय लीला भंसाली ने अपनी कुछ फिल्मों के लिए सुशांत सिंह राजपूत से बात की थी। मुंबई मिरर की एक रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सूत्रों ने बताया है, संजय लीला भंसाली ने अपने सुशांत के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा पुलिस को बताया है। सूत्रों ने कहा कि संजय ने बताया कि यह गोलियों की रासलीला रामलीला में सुशांत का नाम लगभग फाइनल कर ही दिया था, मगर ऐसा हो नहीं सका क्योंकि सुशांत दूसरे प्रोडक्शन हाउस के कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे। बताया जाता है कि सुशांत इस बात से काफी दुखी भी थे कि इस कॉन्ट्रैक्ट के कारण वे संजय लीला भंसाली के साथ काम नहीं कर सके। नाम गुप्त रखने की शर्त पर मुंबई मिरर को एक पुलिस अधिकारी ने बताया, भंसाली से पूछताछ केवल उनकी सुशांत से हुई बातचीत तक सीमित थी, जो उन्होंने तब की थी जबकि सुशांत अपने पिछले कॉन्ट्रैक्ट के कारण संजय की फिल्म नहीं कर पाए थे। बांद्रा पुलिस स्टेशन में संजय लीला भंसाली से लगभग 2 घंटे तक यह पूछताछ चली। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने अभी तक लगभग 29 लोगों से पूछताछ कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। इसमें शामिल है रिया चक्रवर्ती, दोस्त महेश शेट्टी और संदीप सिंह, परिवार के लोग, घर के नौकर, डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा, सुशांत की आखिरी को स्टार संजना सांगी और यशराज प्रोडक्शंस के पूर्व मैनेजर जैसे कई लोग शामिल हैं। अब माना जा रहा है कि अगली पूछताछ डायरेक्टर शेखर कपूर के साथ हो सकती है। शेखर कभी अपनी फिल्म पानी सुशांत के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। बताया जाता है कि इस फिल्म के लिए सुशांत ने 11 महीने तक मेहनत की थी और फिल्म के बंद होने के बाद वे काफी दुखी थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।